नमस्कार, आज है 8 जनवरी 2021 और 8 जनवरी 2021 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। जीएसटी एकत्रीकरण और टैक्स चोरी रोकने को उचित कदम उठाए आबकारी विभाग, जयराम। जीएसटी एकत्रीकरण और टैक्स चोरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। वीरवार को आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जीएसटी एकत्रीकरण और टैक्स की चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि प्रदेश के लिए अधिकतम संसाधन जुटाए जा सके। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के एकत्रीकरण के संबंध में विभाग के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। कोविड के प्रभाव के बावजूद विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य कोष के लिए 4703 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जबकि पिछले वित्त वर्ष इस अवधि के दौरान यह राशि 5066 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के संचयी राजस्व के बीच घटते अंतर पर भी संतोष व्यक्त किया, जो जुलाई 2020 में 39% से दिसंबर 2020 में 7% हुआ। मुख्यमंत्री ने टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए विभागीय प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। इससे खामियों को दूर कर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त रोहन चंद ठाकुर ने प्रदेश के कुल आयकर में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों पर विस्तार से प्रस्तुति दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। फील्ड अधिकारियों के प्रदर्शन पर निरंतर निगरानी रखने पर बल। प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा ने फील्ड अधिकारियों के प्रदर्शन पर निरंतर निगरानी रखने पर बल दिया। उन्होंने ई वे बिल के भौतिक सत्यापन, जीएसटी R3B की रिटर्न फाइल शुल्क के अनुपालन और राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए करदाताओं द्वारा फाइल रिटर्न में असंतुलन पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल में कोरोना से एक की मौत, 148 नए संक्रमित मरीज आए सामने। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई। 76 वर्षीय व्यक्ति ऊना जिला रहने वाला था। इस मौत के बाद प्रदेश में अब तक कोरोना के चलते 944 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश में वीरवार को 148 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा के 42, सोलन के 28, सिरमौर के 26, मंडी के 19, ऊना के 10, चंबा के 7, बिलासपुर के 6, शिमला व हमीरपुर के 4, व कुल्लू के 2 लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सिरमौर में पॉजिटिव आए 26 मामलों में से 16 मामले अकेले अकाल अकादमी बड़ू साहिब से सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है। सोलन जिला में 28 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सोलन से 12, बद्दी से 4, नालागढ़ से 1, परवानू से 2, MMU से 1, धर्मपुर से 4, सुबाथू से 1, कसौली से 2 व बरोटीवाला से 1 मामला सामने आया है। पॉजिटिव पाए गए लोगों में 22 पुरुष व 6 महिलाएं शामिल हैं। मंडी जिला में कोरोना के 19 मामले सामने आए हैं। इसमें अकेले करसोग से ही 9 मामले हैं। वहीं सुंदरनगर से 2, मंडी सदर, धर्मपुर से 2 और बला से 1 मामला है। चंबा जिला में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसमें पुखरी की 53 वर्षीय महिला, 19 वर्षीय युवती व 15 वर्षीय बच्चा, नैनीखट की 11 वर्षीय बच्ची तथा उदयपुर की 19 वर्षीय युवती व चंबा की 21 व 22 वर्षीय युवतियां भी कोरोना संक्रमित हुई हैं। बिलासपुर जिला में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें घुमारवी शहर से 57 वर्षीय व्यक्ति व 52 वर्षीय महिला, सदर उपमंडल के ओल गाँव से 32 वर्षीय व्यक्ति और नैना देवी उपमंडल के तहत नैना देवी नगर परिषद वार्ड से 37 वर्षीय व्यक्ति व 33 वर्षीय महिला, झंडूता उपमंडल के तहत बरगांव से 77 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हिमाचल में कोहरे को लेकर अलर्ट हटा, इस दिन तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में लोहरी तक अब मौसम के साफ रहने के आसार है। ऐसे में पर्यटक प्रदेश के पर्यटन स्थलों में सुहावने मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। लोहरी तक प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के कोई आसार नहीं है, तो वहीं कोहरे का अलर्ट भी हट गया है। मौसम विभाग ने पहले 4 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था और यह अलर्ट निचले प्रदेश के मैदानी जिलों के लिए था, लेकिन अब यह अलर्ट हट गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अब प्रदेश में 13 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। किन्नौर के कल्पाक, केलांग व मनाली में पारा 0 से नीचे। कोहरे का अलर्ट हटने से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। कोहरे का अलर्ट हटने से ठंड के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले मैदानी इलाकों में कोहरा गिरने से तापमान काफी कम हो गया था, जिसके कारण ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया था। मैदान क्षेत्रों में ऊपरी क्षेत्रों से भी कम तापमान था। ऐसे में अब मैदानी जिलों में लोगों को राहत मिलने के आसार है। वहीं बीते दिनों ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण किन्नौर के कल्पाक, लाहौल स्पीति के केलांग और कुल्लू जिला के मनाली में तापमान अभी माइनस में चल रहा है। पौंग में 381 और प्रवासी पक्षियों की मौत, बर्ड फ्लू की समीक्षा करने धर्मशाला जाएंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच पक्षियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू से 381 और प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। यहां मृत पक्षियों का आंकड़ा 3400 के करीब पहुंच गया है। देहरादून से आए विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश ने गुरुवार को केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 8 जनवरी को जिला कांगड़ा जाएंगे। इस दौरान वे पौंग क्षेत्र में फैले बर्ड फ्लू की समीक्षा करेंगे। जिले में कोरोना महामारी की स्थिति का भी जायजा लेंगे। सीएम का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस धर्मशाला में होगा। यहां से दूसरे दिन राजधानी शिमला के लिए रवाना होंगे। जानकारी के अनुसार 8 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को धर्मशाला आएंगे। सीएम इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड और बर्ड फ्लू के मामलों की समीक्षा करेंगे। शिमला के कुफरी में बनेगा देश का पहला स्की पार्क, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, 1000 को रोजगार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन क्षेत्र कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनने जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में राज्य सरकार और नागसंज डेवलपर के मध्य इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना से लगभग 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.04 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इसमें इंडोर स्की पार्क, पैलेटियल मॉल, 5 सितारा होटल, एम्यूजमेंट पार्क, गैमिक जोन, फूड कोर्ट, शॉपिंग आर्केड और अन्य सुविधाओं के अलावा 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। इस परियोजना पर मार्च 2021 में काम शुरू होगा, जबकि अप्रैल 2022 तक इसे क्रियाशील करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के प्रमोटर और नागसंज डेवलपर के मालिक निशांत नाग ने कहा कि इस परियोजना की रचना इन्फिनिटी डिजाइन स्टूडियो मुंबई की ओर से की गई है। स्की दुबई एवं स्की इजिप्ट अनलिमिटेड स्नो नीदरलैंड मेकर्स की ओर से क्रियान्वित की जाएगी। इस दौरान प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा और निदेशक पर्यटन यूनुस भी मौजूद रहे। बजट की कवायद शुरू, प्रदेश सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर सिफारिशें लेने के बाद वित्त विभाग ने अब प्रदेश के आम लोगों से बजट के लिए सुझाव देने की अपील की है। खास बात यह है कि इस बार कोविड के चलते सिर्फ ऑनलाइन ही सुझाव लिए जाएंगे। वित्त विभाग ने इसके लिए ई बजट HP नाम का एक पोर्टल तैयार किया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में सुझाव देने के लिए विकल्प दिया गया है। इसके अलावा budgetidea.hp@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसमें राजस्व बढ़ाने के अलावा खर्चों को कम करने व खर्च के तरीके में सुधार, शासन में सुधार के लिए सुधार दिए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कोविड के अलावा ऑफलाइन मोड में ज्यादा समय व पेपर खराब होता था। चूंकि हिमाचल पेपरलेस कामकाज को लेकर कई तरह की पहल करता रहा है, ऐसे में अब वह हिमाचल के बजट के लिए ऑनलाइन सुझाव लेने वाला राज्य बनना चाह रहा है। बता दें कि पिछले बजट को बजट पोर्टल के जरिए ही सार्वजनिक किया गया था। रोजाना 150 PPE किट की कमी, टैमीफ्लू दवा भी नहीं पहुंची। वन्य प्राणी विभाग ने पौंग झील क्षेत्र में मृतक प्रवासी पक्षियों के सुरक्षित ढंग से निपटान के लिए स्वास्थ्य विभाग से और PPE किट्स मांगी है। विभाग ने अगले 5 दिन के लिए रोजाना 285 PPE किट्स की मांग की है। वन्य प्राणी विभाग को अभी तक रोजाना 150 PPE किट्स ही मिल पा रही है। इस कारण प्रवासी पक्षियों के सुरक्षित निपटान के अभियान में मुश्किलें आ रही है। वहीं पौंग बांध क्षेत्र में सक्रिय कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सप्लाई की जाने वाली टैमीफ्लू दवाई का भी इंतजार किया जा रहा है। टैमीफ्लू दवाई ऐसे लोगों को दी जाती है जिन्हें संक्रमण के पहले लक्षणों के 48 घंटों के भीतर जटिलताएं होने या जटिलताओं का उच्च जोखिम होता है। सीटू के आह्वान पर मांगों को लेकर प्रदेश भर में मजदूरों ने बोला हल्ला। सीटू के अखिल भारतीय आह्वान पर गुरुवार को प्रदेश में कई जगह मजदूरों ने प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर राज्य स्तरीय प्रदर्शन हुआ। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि श्रम कानूनों को खत्म कर बनाई गई मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए घोषित करने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने, फिक्स्ड टर्म ठेका, पार्ट टाइम, टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट रोजगार पर अंकुश लगाने, 8 के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करने के खिलाफ, कोरोना काल में हुई करोड़ों मजदूरों की छंटनी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, भारी बेरोजगारी, हर आयकर मुक्त परिवार को 7,500 रुपए की आर्थिक मदद, हर व्यक्ति को 10 किलो राशन की सुविधा, मजदूरों के वेतन में कटौती, EPF और ESI की राशि में कटौती, किसान विरोधी 3 कानूनों और बिजली विधेयक 2020 के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के मजदूर सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मजदूरों और किसानों के इन मुद्दों पर उद्योग, STP, होटल, रेड़ी फड़ी, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ट्रांसपोर्ट, हाइडल प्रोजेक्टों, स्वास्थ्य, बिजली से संबंधित कार्यस्थलों पर प्रदर्शन किए गए। उन्होंने कहा कि 24 से 31 जनवरी तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में जत्थे चलाकर केंद्र, राज्य सरकार की मजदूर और किसान नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा।
पंचायत चुनाव मतदान के दिन दो परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी परेशान। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सूबे में हो रहे मतदान की तारीख को दरकिनार कर 17 जनवरी का दिन जूनियर ऑफिसर तथा असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए तय कर दिया है। बाकायदा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के सामने बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि वह अपनी ग्राम पंचायतों में हो रहे मतदान को प्राथमिकता दे या परीक्षा को। चयन आयोग की ओर से जारी किए रोल नंबरों में जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी F&A के लिए 17 जनवरी को सुबह 9 बजे हमीरपुर के एक परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करने को कहा है। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए दोपहर 1 बजे पहुंचने को कहा है। सुबह की परीक्षा 10 से 12 बजे तक और दूसरे पेपर की परीक्षा 2 से 4 बजे तक होगी। यही समय पंचायत चुनाव के मतदान का भी है। ऐसे में सवाल यह कि प्रदेश भर से आने वाले परीक्षार्थी अपनी पंचायतों में मतदान करने जाएं कि अपने कैरियर के लिए मतदान न करने का निर्णय करें। इस परीक्षा में जाने वाले कुछ उम्मीदवारों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि एक ओर तो सरकार मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान अवश्य करने के लिए अभियान चलाकर देश भर के मतदाताओं को जागरूक कर रही है, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मतदान के दिन ही परीक्षा की तारीख तय कर अनेक मतदाताओं को उनको मताधिकार से वंचित करने जा रहा है। परीक्षार्थियों समेत अन्य लोगों ने भी इस दिन होने जा रही परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश चयन आयोग के चेयरमैन ब्रिगेडियर सतीश शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। शहरी निकाय चुनाव 9 जनवरी को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। हिमाचल प्रदेश में 50 शहरी निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां 9 जनवरी को रवाना होंगी। इसी दिन मतदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को 8 जनवरी को फाइनल ट्रेनिंग देगा। इसके बाद पोलिंग पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के साथ गंतव्य स्थलों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान 10 जनवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। कोरोना संक्रमित वोटरों के मतदान के लिए 4 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया है। मतदान के तुरंत बाद में शहरी निकाय मुख्यालय में मतगणना होगी। इसके बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पंचायत इलेक्शन, हिमाचल में 104 चुनी निर्विरोध CM जयराम और 5 मंत्रियों की गृह पंचायतों में नहीं बनी सर्वसम्मति। हिमाचल में बुधवार को दिन पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी का था। प्रदेश की 104 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई। अभी कुछ के निर्णय आने बाकी है। CM जयराम ठाकुर और 5 मंत्रियों की गृह पंचायतों में सर्वसम्मति नहीं बन पाई। अन्य मंत्रियों के गृह क्षेत्र नगर निकाय में आते हैं। रामलाल मारकंडा की पंचायत में बर्फबारी के चलते अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। हालांकि खास यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की गृह पंचायत विजयपुर में सर्वसम्मति से पंचायत के सभी सदस्यों का चयन हुआ है। सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 33, किन्नौर में 23, मंडी में 12, शिमला में 12, स्पीति में 11, सोलन में 3, कांगड़ा 3, बिलासपुर में 2 और कुल्लू में 1, ऊना में 4 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। मंडी जिले में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, कांगड़ा जिला में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर की गृह पंचायत कोटला बेहर, वन मंत्री राकेश पठानिया की जांच, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की पंचायत, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की NH और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की ननाव पंचायत निर्विरोध नहीं चुनी जा सकी। जो पंचायतें पूरी तरह निर्विरोध चुनी जाती हैं वह 15 लाख की इनामी राशि की हकदार होती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की पंचायतों में घमासान मचा है। धर्मशाला समेत तीनों नवनिर्मित निगमों में 8 अप्रैल से पहले होंगे चुनाव। भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नवगठित नगर निगम पालमपुर को लेकर शहरी विकास, नगर नियोजन एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसके संरचनात्मक एवं प्रशासनिक रूपरेखा और निगम के संचालन के अन्य जरूरतों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पालमपुर नगर निगम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट भी ली। कहा कि धर्मशाला समेत प्रदेश के 3 नवगठित नगर निगमों में चुनाव की प्रक्रिया 8 अप्रैल से पूर्व होगी। मंत्री ने कहा कि पालमपुर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। पालमपुर के नगर निगम बनने से इसमें शामिल क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, मल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन आदि कई प्रकार योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रदेश के 2 शहर शिमला और कुल्लू को अमृत मिशन में शामिल किया गया है। आने वाले समय में अमृत मिशन फेज 2 में प्रदेश के सभी निगम क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने शहरीकरण को देखते हुए 3 शहरों मंडी, पालमपुर और सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। 7 नगर पंचायतों तथा 1 नगर परिषद बनाया है। शहरी विभाग के निदेशक राम कुमार ने निगम क्षेत्र में शहरी विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। नगर निगम पालमपुर के आयुक्त पंकज शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और नवसृजित नगर निगम की संरचना के बारे में विस्तृत ब्यौरा रखा। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, पूर्व विधायक दूलो राम, पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा, पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजक विनय शर्मा, अरविंद शर्मा, सचिन वर्मा, SDM पालमपुर धर्मेश रामोत्रा, DSP पालमपुर अमित शर्मा समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
शिमला के जनेरघाट में सड़क से नीचे लुढ़की कार, एक की मौत। शिमला जिला के अंतर्गत आते जनेरघाट में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने गांव करेवड़ी जुंगा के रहने वाले नारायण नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह व्यक्ति कार में अकेला ही सवार था। बताया जा रहा है कि नारायण सिंह अपनी कार में जुंगा की ओर गया था। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। जब सुबह के समय परिवार के सदस्य उसे ढूंढने के लिए निकले तो बधौनी घाटी से जनेरघाट की तरफ एक मोड़ के पास परिजनों ने एक गाड़ी को सड़क से नीचे गिरे हुआ देखा। जब परिजन गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि नारायण सिंह का शव गाड़ी से करीब 100 मीटर ऊपर गिरा हुआ था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है तथा मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा।